हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी रूगर के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कैरेबियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने लास्ट स्टेज में आ गया। टूर्नामेंट की टॉप चार टीम्स जो प्ले ऑफ में खेलेंगी वो भी फिक्स हो चुके हैं, अब बस टॉप टू में बने रहने की जंग चल रही है। तो बात करते हैं CPL का मैच नंबर 26, जिसमें संत लुसिया का मुकाबला ट्रिवेंगो नाइट राइडर्स से होगा। दोनों टीम्स क्वालिफाई भी कर चुकी है। यह मैच 24 सितंबर को ट्रिनिडैड के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम के 7:30 पर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सीजन का अपडेट चाहिए तो मैं स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं कि वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मैच के दिन मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 83% रहेगा और टेम्परेचर 27°C रहेगा। अब बात करते हैं कि पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, पिच थोड़ी सी ड्राई है जिसके चलते आउटफील्ड तेज हो गया। स्पिन बॉलर पर इस जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए स्पिन को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, पिच से रिवर्स स्विंग काफ़ी देखने को मिलते हैं, जिसके चलते डेथ ओवर में रन बनाना मुश्किल होगा। तो अगर बात करते चलते इनके विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं, जो कि बैटिंग फॉर्स का यहाँ पे 46% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फॉर्स का यहाँ पे 51% जीतने का चांस है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, यहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 141 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 129 है। तो दोस्तों, अगर बात कर लेते दोनों टीमों का हेक्टिवेट भी देख लेते, यहाँ पर ट्रिवेंगो 6 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर संत लुसिया 4 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नहीं पहले टीम ट्रिवेंगो नाइट राइडर्स का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टीम ने अभी तक 7 मैच खेले, जिसमें से 5 मैच जीता और 2 मैच हारा, लेकिन लो रन रेट के चलते टीम टेबल नंबर 4 पे। केन प्लस जो कि टीम के कप्तान बने हैं, टीम ने लास्ट गेम में टीम ने ओपनिंग प्लेयर में बदलाव किया था, जेसन और केसी काटी अच्छा स्टार्ट किया, जेसन ने 64 रन बनाया था। नंबर 3 पर जो कि निकोलस पुन ने सबसे ज़्यादा 275 रन बनाए, जहां पर डीजे ब्रावो को लास्ट गेम में टीम में जगह मिली थी। मिडिल ऑर्डर में हम बात करेंगे जो कि टीम डेविड एंड किरण फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड असल इस सीजन फ्लॉप देख रहे हैं। बॉलिंग में बात करेंगे जो कि जैडन सिल्स एंड क्रिस जॉर्डन के पेस अटैक टीम को पावर प्ले में शुरुआत में विकेट दिला सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में सुनील नारायण और वकर सलाम खेल दोनों अब तक 11 विकेट ले चुके हैं। अकील होसन जो कि अब तक टच में नहीं दिखे हैं। अब बात करते हैं ट्रिवेंगो का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि जेसन रॉय है, निकोलस पुरन ने किसी काके, किरण प्रहार है, टीम डेविड है, एंड्रे रसल है, वकार सलाम खेल है, अकील हुसैन है, जेडन सेल्स है, ड्वेन ब्रावो, क्रिस जॉर्डन। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि सुनील नारायण है, किरण प्रहार है, निकोलस पुरन है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी संत लुसिया किंग का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टीम ने टूर्नामेंट में काफ़ी जबरदस्त कमबैक किया, लगातार 4 जीत के साथ टीम टेबल नंबर 1 पे आ गए। टीम 8 मैच खेली, जिसमें से 6 मैच जीत का और 2 हार के आ रही है। फैब डुप्लेसिस जो टीम के कप्तान बने हैं, ओपनिंग में डुप्लेसिस एंड जॉनसन चार्ली दोनों ने अच्छा स्टार्ट दिया था, जॉनसन ने 265 रन, तो वहीं डुप्लेसिस ने 176 रन बनाए। नंबर 3 पर जो कि अगेम अगस्ती खेल रहे हैं, टीम साइफर ने भी 205 रन बनाए, जहाँ पर बनो का राजा परिसर जो कि लास्ट गेम से ड्रॉप थे। वहीं लो ऑर्डर में डेविस वाइट एंड जॉनसन चेस जो कि हार्ड हिटिंग एबिलिटी रखते हैं। बॉलिंग में टीम 6 बॉलर लेकर उतर रही है मैदान में, जहाँ पर मिकेल गोविया को लास्ट गेम में चांस मिला था, जारी जोसेफ एंड डेविस वाइट को पावर प्ले में स्पेल के स्टार्ट करेंगे। अल्जारी जोसेफ ने अब तक 11 विकेट लिए। वहीं पे खैरी पेरी इस पिच पे बाउंस करा सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में नूर अहमद जो कि 13 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। रोस्टन चेस भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं संत लुसियान का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि फैब डुप्लेसिस है, जॉनसन चार्ली, टीम साइफर्ट है, एडन जोन्स है, अगेम अगस्ती है, रोस्टन चेस है, डेविस वाइस है, मिकेल गोविया, खैरी पेरी है, नूर अहमद है, अल्जारी जोसेफ है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि फैब डुप्लेसिस है, टीम साइफर्ट है और रोस्टन चेस है। फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। ट्रिवेंगो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि संत लुसिया लगातार 4 मैच जीत चुकी है, टक्कर बराबरी का होगा, लेकिन स्क्वाड रेस्टोरेंट को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच भी ना ट्रिवेंगो नाइट राइडर्स होगा। तो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना हुआ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।